जफर इस्लाम साहब पे भरोसा नहीं है, वैक्सीन बीजेपी की है, प्रधानमंत्री लगवाए, माफी नहीं मांगनी चाहिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने अध्यक्ष के बयान के लिए। जफर इस्लाम साहब बोलिए, हमने बोला भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि आपने वैज्ञानिकों का अपमान किया, देखिए क्योंकि आपने वैज्ञानिकों का अपमान किया। दीपक भाई एक आपसे आग्रह है, घोटालेबाज उन पर विश्वास कैसे करेंगे, बताइए दीपक जी। दीपक भाई मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं कि इनकी आवाज दबा दीजिए, बीच में बोलने की आदत आवाज क्यों दबा दो, अच्छा विपक्ष मैं की आवाज दबा कहना चाहता हूं कि मैंने सुना था सही बात हो तो विपक्ष की आवाज दबा दो। मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, इसके मतलब वैक्सीन पे आपका हम सम्मान करते हैं, क्या कोई आप विपक्ष के विपक्ष की आवाज का सम्मान करते हैं या भौंकते रहते हैं, आपको भौंकने की आदत है, आप भौंकते रहते हैं, सब समझता है। आप चैनल पे अगर आपको देखता तो आप हटा लेता, आपको पहले ये बताइए अभी आपको आपने अपने मुखिया का देखा ना, मुखिया को देखा कि नहीं, वो किस तरह से गुमराह कर रहे थे लोगों को, किस तरह से सुरक्षित जाएगी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करे, आज आपको तमाचा पड़ा आपके और आपके लीडर्स को, उस तरह के लीडर्स को जिन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के भाई इनकी आवाज थोड़ा दबाइए, इसलिए आपको बोलते हैं और गलत उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं प्लीज। अरे गलत उदाहरण क्या है दीपक जी, हमने तो बोला था इसी वैक्सीन को हम लोग फ्री में लगाएंगे, हमने तो ये नहीं बोला कि हम वैक्सीन बना के फ्री में लगाएंगे, हमने बोला यही वैक्सीन, आप नहीं बता पाए बीजेपी की वैक्सीन है कि नहीं, माफी सिस्टम अच्छा होगा, माफी मांग के जाएंगे, सिर्फ जफर इस्लाम की आवाज जाएगी, सिर्फ जफर इस्लाम की आवाज, जफर भाई बोलिए, प्रशंसा की जाए कम है, उतना कर रही है देश की जनता, आपको इस बात का एहसास है कि देश की जनता प्रशंसा कर रही है प्रधानमंत्री की, इसलिए कि उन्होंने देश की जनता की सेहत का ख्याल रखा, देश की जनता को प्राथमिकता दी, उन्होंने दुनिया में भी अपना नाम कमाया, देश का भी नाम कमाया, देश आज हिंदुस्तान मशहूर है दुनिया में इसलिए कि सबके काम आता है और देशवासियों के सबसे पहले काम आता है, आपने तो देश बेचने का आप लोगों ने काम किया है और आज कैसी बातें कर रहे हैं, आपके मुखिया क्या बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन, अरे साइंटिस्ट को बधाई दीजिए, इतना इतना बेशरम मत होइए कि साइंटिस्ट को ही बधाई देने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा कि आप उन लोगों को जाके पूछिए जो कहते थे कि 9% वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ही सिर्फ वैक्सीन लगा पाएंगे 2024 तक, लेकिन आज देखिए इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से देश सुरक्षित है, आज देश को सीमा पर भी सुरक्षित है और यहाँ जो सेहत पर भी सुरक्षित है, लेकिन एक आप जैसे लोग हैं कि देश के बनाए हुए वैक्सीन को आपने जो किस तरह से नकारा और आज उसके पीछे भाग रहे हैं कि गरीबों को लगाओ, अरे हम गरीबों को लगाएंगे, ये गरीबों के मसीहा मोदी जी हैं, ये सरकार गरीबों की है, हम गरीबों को लगाएंगे फ्री में लगाएंगे, जो नहीं है आप अगर आपके मुखिया भी अगर सर्टिफिकेट लेके आएंगे ना कि गरीब आदमी है तो उनको भी फ्री लगवा देंगे और आपको भी लगवा देंगे, अगर आपको ये चिंता है तो मैं आपको फ्री में लगवाऊंगा, जितनी भी आपको कोशिश करिए मैं आपको फ्री में लगवा दूंगा और आपके मुखिया को भी अगर आप सर्टिफिकेट लेके आइए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना कब आएगा कोरोना का वैक्सीनेशन, क्या आप भी मानते हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है? आलोक शर्मा जी, अनुराग जी और जफर भाई दोनों रुक जाइए प्लीज।